इस लाइफ हैक से मैं बच निकल पाऊंगी। सोचते रहो, हम यहाँ अपना टूर कंटिन्यू करते हैं। बूफे कहाँ है? वो क्या है? मत छूना। तो कुछ मजेदार ही होने वाला है। सारे सेल्स किसने खोल दिए? ये हम आजाद हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यही मेरा मौका है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरी जेनी कहाँ है? क्या उन्होंने रेज बच्चों को पढ़ना नहीं सिखाया? इसमें लिखा है छूना मत, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तुम भी मिसेस लुईस, तुम्हारी वजह से ही ज्यादातर कैदी भाग निकले। मदद के लिए शुक्रिया ऑफिसर। मॉम, वो कौन है? इन्होंने कितने अजीब कपड़े पहने हैं। उन्हें यहाँ लाया गया है। यहाँ कितनी गंदगी है, ये भयानक है। और उन्होंने मेरे चेहरे पर पैरों के निशान भी छोड़ दिए। कम से कम यहाँ स्क्वीशीज हैं, पर हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं वही बोलूँगी जो सबको समझ में आए। पैसों की भाषा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीजे फेंक कर मेरा ध्यान भटकाने की? इससे मेरा ध्यान भटक सकता है। मैं अभी आया, मुझे अपने सेल में अलग कंडीशन चाहिए। इस सेल में बस जिंदा कॉकरोचेज रह सकते हैं। तुम बिल्कुल भी घिनौने नहीं हो क्यूटी। हाँ, हमारी भी फीलिंग्स होती हैं। क्या डील मंजूर है? मैं तुम्हें आरामदायक सेल में ले जाता हूँ। बात बनी ना, बाय बाय। चलो आ जाओ, यहाँ इतना भी बुरा नहीं लग रहा। यहाँ हम तीनों तंग हो जाएंगे। तो तुम यहाँ से जा सकती हो क्या? नहीं, मुझे उम्र कैद की सजा मिली है। मेरे पास रिलीज डॉक्यूमेंट है। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये नहीं हो पाएगा। नहीं प्लीज, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये तुम्हारा सेल है, बस अपने कपड़े बदल लो। हमारे यहाँ ड्रेस कोड है। उम्मीद करती हूँ कि रोब्स डिजाइनर होंगे। अब यहाँ कैंडी खाना मना नहीं है। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई। हनी, क्या तुमने ऐसा कुछ पहले देखा है? वाह, तुम पहले कौन सा हनी जेली चखना चाहोगी? कोई सा भी, मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने स्वीट्स कब खाई थी। मुझे ड्रैगी पसंद है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कैंडी खाने के लिए तैयार हो जाओ। हे, वो क्या था? हाँ, हमेशा की तरह बुद्धू बन गया। मेरी बेटी कब से खाना चाहती थी। मैं उसे ये अच्छे तरीके से दूंगी। टूल्स और इमेजिनेशन इसके लिए काफी होंगे। एम्बर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वाह, आपको ये कैंडी मशीन कहाँ से मिली? ये मॉम का सीक्रेट है। ये खाओ, बहुत बढ़िया। कितना स्वादिष्ट है। पैसों की खुशबू मुझे सबसे प्यारी है। हे, मेरी कैंडी कहाँ है? मैंने सारी नहीं खाई थी। ओह, बहुत हुआ। तुम्हें लगता है रेड वाली भी टेस्टी है? तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। कितना दिलचस्प डिवाइस है। ये रही मेरी कैंडी। सही कहा, तुम्हें सजा मिलती है। मेरा मुंह खोलो प्लीज। कितने बुरे हैं। अब से तुम डाइट पर हो। मैं अच्छे से रहूंगी। हम और कैंडी नहीं खाएंगे। मुझे अपनी बेबी सिटर की बहुत याद आ रही है। बोरिंग बोरिंग बोरिंग। ठीक है, क्या इससे तुम्हें मजा आएगा? तुम यहाँ से निकलने के बाद बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। वहाँ क्या हो रहा है? इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? शायद तुम्हें नए टॉय से खेलना चाहिए। तुम्हें ब्लू मॉन्स्टर पसंद है? मुझे ब्लू फ्रेंड पसंद है, हगी वगी नहीं। बिगड़ी अम्मी लड़की का सताया हुआ। मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। इस सेल को काफी समय से मेकओवर की जरूरत थी। ये अच्छा हुआ कि पिछले सेलमेट ने बहुत सारी एलईडी टेप रखी हुई थी। यहाँ बहुत अंधेरा है। हॉट ग्लू से हम इन कॉटन वूल को एलईडी स्ट्रिप के ऊपर ऐसे लगाएंगे। ध्यान रखना, इसके लिए हमें बहुत कॉटन की जरूरत है। देखो मैंने कितना सुंदर बना दिया। और बस यही नहीं, वाला वाह, ये खूबसूरत है। ये असली रेनबो क्लाउड जैसा है। कितना सॉफ्ट है। शुक्रिया, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। प्लान बी की तरफ चलते हैं। तुम्हें चॉकलेट बार खाना है, तुम्हारा पसंदीदा वाला। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रेनबो केक के बारे में क्या ख्याल है? मुझे भूख नहीं लगी, सच में। क्यों ना हम डिस्को करें अभी? हाँ। वाह, तुम कहीं नहीं जा सकते। अब बोलो, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? मैं उसे काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। वो कहाँ छुपा है? मिस्टर वार्डन यहाँ आए। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं अभी वापस आता हूँ और फिर हम शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ भी करके मेरी बेटी के लिए डिस्को अरेंज करवाओ। ठीक है, ये रहा आपके लिए एडवांस, हो जाएगा। यो, ये है डीजे फ्रैंक। बहुत बढ़िया, हमें यही तो चाहिए था। वाह, तो मेरी मॉम मजाक नहीं कर रही थी। अपने कफ्स हिलाओ।
ट्रेन की छनछनाहट सुननी है। आज रात ट्रोम प्रिजन में बहुत बड़ी पार्टी है। मॉम के लिए भी कभी कभी आराम करना और मस्ती करना अच्छी बात है। और जेल उतना भी बोरिंग नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मुझे अपने क्लासमेट को बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। जिसे भी मेरा म्यूजिक पसंद नहीं आएगा वो अरेस्ट हो जाएगा। चलो मजे करें। आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ लिया, बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल। तुम यहाँ से 4 बार भागने में कामयाब हुए हो, पर ये दोबारा नहीं होगा। मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी प्यारी आंखें इस बार मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं लगभग कामयाब रहा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं अपने पुराने प्लान ही अपनाता हूँ। हाँ, बाय लूजर्स। हाय, क्या तुम मेरे साथ कभी कभी खेलना चाहोगी? हाय, तुम्हें गरीब लोगों के साथ मिलना नहीं चाहिए, वो तुम्हें बुरी चीजें सिखाते हैं। उससे अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ठीक है, चलो तुम्हारे नए VR ग्लासेस को पहन कर देखो। सेल से बेहतर तुम्हें वर्चुअल रियलिटी में मजा आएगा। मुझे बस इससे दोस्ती करनी थी। उन गुस्से वाले अमीर लोगों के बारे में मत सोचो, वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। क्या मैं सच में जादुई फॉरेस्ट में आ गई? यहाँ कितनी मजेदार चीजें हैं। वाह, क्या यहाँ यूनिकॉर्न खड़ा है? रुको, भागो मत। हनी, ध्यान से। ओह, क्योंकि हम अमीर हैं, तुमने अभी तक नहीं देखा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आम कार्डबोर्ड बॉक्स कैसे एक लैपटॉप में बदल जाता है। ये कैसा है? आप एक असली जादूगर हो। इसके बटन भी बहुत कूल हैं। इस लैपटॉप में हमारे पसंदीदा चैनल हैं। ओकी टोकी, मुझे ये बहुत पसंद आया। साथ खेलो तो कैसा रहेगा? इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? इससे मुझे भूख लग रही है। वो वक्त दूर नहीं जब हम तुम अकेले हो। मदर, मुझे वो खाना है। क्या तुम्हें भूख लग रही है? ये लो, यहाँ हर टेस्ट के केक है। मुझे स्वीट्स नहीं चाहिए। जापान की सुशी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मुझे बर्गर और फ्राइज ही चाहिए। मैं इसके लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। वो पल आ गया, लंच टाइम। मैं इतना काम करता हूँ कि मैं अपने पसंदीदा खाने का हकदार तो हूँ ही। याद के लिए सेल्फी। कुछ भी इस लाजवाब पल को बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे ऐसे मत देखो। ठीक है, चलो शुरू करें। ओह, मैं अभी आता हूँ। माफ करना, मुझे जाना होगा। मैं अभी वापस आता हूँ। तुम्हारे टेबल पर जो बर्गर है वो मुझे दे दो, मेरी बेटी को वो चाहिए। तुम्हारा मतलब ये वाला? हाँ, ठंडा होने से पहले ले जाओ। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसे बेच नहीं सकते। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया। तो मुझे क्या करना चाहिए? ओह, एक आइडिया। पहले फ्रूट्स को काट लेती हूँ। भारी है। सही है, इससे आसान रास्ता भी है। ये हुई ना बात। ये बर्गर जैसा नहीं दिख रहा। अभी के लिए यही है, हम इसे बनाएंगे। ये बस कुछ अलग इंग्रेडिएंट से बनेगा। बंद के बदले ऑरेंज, टमाटर की जगह एप्पल और पीकल की जगह कीवी। अब हम पाइन एप्पल चॉप कर लेते हैं। चलो भी किया। तुम सच में फ्रूट निंजा हो। ये पैटी होने वाली है। बस अब दूसरे ऑरेंज बन को ऊपर रखना है। हमारा हेल्दी लो कैलोरी बर्गर तैयार है। ये कितना अलग है। मेरी गोल्डन हेल्पर, मैं फ्राइज के बारे में भूल ही गई थी। बस इसमें केचप नहीं है। खैर, हमने अपनी डिश बना ली है। लगता है अब दोबारा कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। अब मैं खा सकता हूँ। सच में? हेलो, वो कैसे भाग गया? 5वीं बार, उसे पकड़ो। हमें ध्यान से करना है। शायद उसे ये सब्स्टिट्यूट पसंद आए। ये रहा तुम्हारा बर्गर। शुक्रिया मॉमी। आपको किस तरह का बर्गर खाना पसंद है? रेगुलर वाला या फ्रूट वाला? हमें कमेंट करके बताएं। हे जेनी, जब तक मॉम्स नहीं देखती तब तक बात करना चाहोगी? मुझे खुशी होगी। हेलो, इस कार्डबोर्ड वाले से बात नहीं होगी। समझ गई। मेरी मॉम ने मुझे ये सिखाया है। इस कप को पकड़ो। ये काम कैसे करता है? हमें इस जेल से भागना होगा। सहमत हूँ, चलो इसे मिलकर करते हैं। गार्ड चला गया, सब साफ है। उम्मीद करती हूँ सब प्लान के मुताबिक ही हो। और ये जगह छोटी है, यहाँ बहुत धूल है। अच्छी बात है कि मॉम ने ये नहीं देखा। एम्बर, जेनी, हमें बाहर निकलना होगा, फिर हम भेस बदलेंगे। तुम्हें पता है कहाँ जाना है? बढ़िया, फिर वक्त जाया नहीं करते। लजीज बर्गर। बढ़िया, वो सो रहे हैं। ये काम आएगी। चुप हो जाओ वरना वो उठ जाएंगे। मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? मैं इसके साथ यहाँ क्यों हूँ?
कोई मदद करो, मैं यहाँ इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं भी बिल्कुल भी नहीं। अपने अमीरों वाले सेल में वापस जाओ। मिस्टर वॉकर, मदद करो, हमें ये सजा क्यों मिल रही है? क्या ये तुम्हारा कोई प्रैंक है? आप लोगों को दोस्ती कर लेनी चाहिए, तब तक हम खेलने जा रहे हैं। डॉग फूड बहुत ही महंगा हो गया है। कॉर्पोरल, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? आलस फैलाना बंद करो, प्रिजनर्स को यहाँ जल्दी लाओ। जी मैम, मुझे मेरा आर्टिकल भी पढ़ने नहीं दिया, मेरे पीछे आओ। बहुत बढ़िया कॉर्पोरल, और तुम इसे अपना ही घर समझो, क्योंकि तुम यहाँ से जल्दी नहीं निकलने वाली। मैं तुम्हें अच्छा काम करने के लिए हड्डी दूंगी। वो हमारे हैंडकफ्स निकालना भी भूल गई। ठीक है, इसका कुछ करना होगा। हेयर पिन हर लॉक की चाबी है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? इतनी मेहनत किस लिए? हाँ, यहाँ पर बहुत गंदगी है, यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया है। मेरे जिम की हालत इससे अच्छी है। हे, हम इस तरह की जगह पर नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे लिए वो कॉलर खरीदूंगी, वादा करती हूँ। मेरा ध्यान मत भटकाओ। कैदियों के साथ ये कैसा बुरा व्यवहार है? मैंने बस टेस्ट में चीटिंग की थी और मुझे जेल में डाल दिया। मैं यहाँ के लिए बुरा रिव्यू दूंगी। ओह, मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। हे सेलमेट, देखो मेरे पास क्या है। हमारे पास अपने रूम को साफ करने का मौका है। मैं अभी बिजी हूँ। ओह, वहाँ क्या है? तो यहाँ पहले भी कोई मेरे जैसा रहता था। कार्डबोर्ड और पेंसिल भी छोड़कर गया है। नर्स को बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये एक तरह का वर्कआउट ही तो है। अभी भी उतनी शार्प नहीं है। हे, उठो, तुम मेरे रास्ते में हो। खैर, तुम कहती हो तो ठीक है। कितना सारा कचरा है। क्या यहाँ कलरफुल स्लग्स की लड़ाई हुई थी? उम्मीद है ये सब साफ हो जाएगा। आखिरकार हो गया, एक परफेक्ट शार्प पेंसिल। क्रिमिनल जेल के अंदर हथियार बना है, मुझे तुमसे लेना होगा। ये लो मार्कर, ये भी उतना ही अच्छा है। वक्त और मेहनत दोनों बर्बाद हुए, पर इसके लिए शुक्रिया। सबसे अच्छी बात ये है कि ये लिखता है। मैं इस राख से सारा पानी निचोड़ लूंगी। ओह, लगता है मैंने ये ज्यादा ही कर दिया। अब ये सफाई का सबसे बुरा हिस्सा है। ह्यू, गैस मास्क कहाँ है? कोई बात नहीं सैंड्रा, तुम स्ट्रांग हो, तुम ये संभाल सकती हो। क्लीनिंग स्केड्यूल खत्म हुआ। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। अब ये आसानी से और जल्दी होगा। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? ये स्क्रिबल कार्डबोर्ड कैसा है? मुझे लगा था मैंने सारा कचरा फेंक दिया है। मेरे काम की कोई कदर नहीं है। मेरी वजह से ये कैमरा चलने लगा। तुम्हें क्या लगता है? कुछ भी खास नहीं है। एहसान फरामोश, मुझे सिर्फ स्पोर्ट से खुशी मिलती है। ओह, मुझे मामले को संभालना आता है। खुशकिस्मती से मैंने अपनी फेवरेट बुक्स छिपा ली थी। ये मेरी नोक में एक बढ़िया एडिशन होगी। काश मैं और ला पाती, पर मैं आखिरी केमिस्ट्री ओलंपियड का गिफ्ट लाई हूँ। वो नर्ड वहाँ क्या कर रही है? मुझे पता लगाना होगा। खैर, मैं भी इस बेकार इंटीरियर के लिए कुछ कर सकती हूँ। मुझे एक आइडिया आया। मेरे प्यारे डंबल्स और वेट्स के लिए ये अच्छी जगह है। अब बस ये आखिरी चीज रखनी रह गई। खूबसूरत। आउच। सैंड्रा, तुम ठीक हो? दर्द हुआ होगा? नहीं, आराम करो। हाँ, ये नई लेग एक्सरसाइज है। एक दो, ये कितनी अजीब है। मैं इस खाली दीवार को भी ऐसे नहीं छोड़ सकती, और मेरे पास इसके लिए प्लान्स भी हैं। मैं केमिस्ट्री का इस्तेमाल करूंगी। अच्छी बात है, मेरे पास काफी स्टिकर्स हैं। उसके पास अजीब अल्फाबेट है। यह वो पजल है। मेंडलीव को मुझ पर गर्व होगा। और सेल्विया फीका फीका नहीं लग रहा। ये बुरा नहीं है, मुझे इसे सीख कर कुछ मजेदार बनाना चाहिए। मेरे पास आयरन्स है, मुझे नहीं लगता उन्हें पता चलेगा कि कुछ मिसिंग है। होममेड हॉरिजॉन्टल बार तैयार है। मैं नोट्स बना लेती हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। कुछ नया नहीं है। मैं बहुत वर्कआउट करूँगी और ताकतवर बनकर यहाँ से पक्का बाहर निकल जाऊँगी। धीरे बोलो, मैं पढ़ रही हूँ। उसे भी कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए और मुझे आराम करना चाहिए। ओह, मुझे कितनी कमाल की चीज मिली। मिस्टर टेस्ला, आप अब यहाँ रहेंगे।
आपको मेरा नुक कैसा लगा? मैंने पुल अप्स कर लिए हैं, तो अब मेरी शेप खराब नहीं होगी। हाँ, हमने अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा बना है। इस प्रिजन का इंटीरियर कितना बोरिंग है। हेलो डार्लिंग, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो कोई वार्डन नहीं है, बढ़िया। मेरे नेल्स को अच्छा दिखना चाहिए, प्रोफेशनल पर छोड़ दो। खतरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस बातें। मैंने कल 200 पुशअप्स किए थे, क्या आप यकीन कर सकती हो? यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो क्या तुम्हारा काम खत्म होने वाला है? लगभग होने वाला है। ये लो, अब तुम नेल्स देख सकती हो। आपने कमाल कर दिया। क्या आप मुझे अपना नेल फाइल देंगी? क्या ये भागने के लिए है? नहीं, बस इन नेल्स के लिए। शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो क्या तुम लाए हो? हाँ, जैसा वादा किया था। और तुम स्नैक के समय पर आई हो, मुझे ब्रेड की क्या जरूरत? इस ब्रेड में स्पेशल फीलिंग है। चालाक, ये लेटेस्ट रिलीज है। मुझे ये बुक कब से चाहिए थी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को निराश नहीं कर सकता। इसमें क्वांटम फिजिक्स का सेक्शन भी है। कोड रेड, बस करो। चश्मेश, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो वक्त याद आता है जब मैं तुम्हारी जगह था। क्या तुम फिर से अपने पास की बात कर रहे हो? मुझे शांति से पढ़ने दो, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। क्या मेरा क्लॉस्ट्रोफोबिया वापस आ गया है? सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दीवारें सिकुड़ रही है। बचाओ। हाँ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। लड़कियों, वॉक करने का समय हो गया है। ये मुझे ताज़ी हवा की जरूरत है। आउटडोर एक्सरसाइज, बढ़िया। हम बाहर कब जाएंगे? वॉक पर मैं और फरी कॉर्पोरल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं यही ट्रेनिंग करूँगी। हमारे बिना बोर मत होना, बस शांति से रहना। ये बहुत आसान है, मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही। ये इस तरह अच्छा रहेगा। इजाबेल ने कितना अच्छा मैनिक्योर किया है। पता नहीं इन जोक्स के दिमाग में आखिर क्या चलता है। मैं किसी चीज पर बैठी हूँ। सैंड्रा की नकली नेल्स और नेल्स फाइल, मैं इसका अच्छा इस्तेमाल ढूंढ लूंगी। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। हो गया, हम जल्दी बाहर होंगे। क्या मैं अपने नेल्स गलत तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ? आउच, ये टूट गया। और मैं ये काफी वक्त से कर रही हूँ। खैर, कोई बात नहीं, मेरे पास 9 और मौके हैं। आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है? जाने पहचाने चेहरे। वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं। मुझे भी ऐसा ही हेयर स्टाइल चाहिए। मेरे वाले फैशन में नहीं है। फैसला हो गया, अब मेकओवर का वक्त है। तुम इंचार्ज हो, आंखें खुली रखना। मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम से जाना है। हाँ, वो इसी तरह पिछली बार शॉपिंग पर गई थी। मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली हूँ। अब बस डॉग बचा है और उसके नेक पर चाबी है। डॉगी बहुत प्यारा है ना? मुझे माफ कर दो, मुझे ये पूरा करना होगा। अच्छी दोस्ती है। हे, क्या तुम मुझे चाबी दोगे? क्या वो कुछ कर रही है? उप्स, जानी पहचानी रस्सी। लूसी, डरो मत, मेरे दिमाग में भी कुछ है। डॉग्स को इसमें इंटरेस्ट होता है ना? मैं प्रिजन एम्प्लॉय हूँ, आम पपी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये रस्सी छोटी है, मैं एक मिनट में आती हूँ। मैं टारगेट के पास हूँ, तुम हमारे साथ आ रहे हो। मैं मना नहीं कर सकता, यही इंतजार करो। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे मुझे नहीं लगता ये सही फैसला है। अब ये काम करना चाहिए। बेबी, इधर आओ। बिल्कुल नहीं, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं एक डॉग हूँ। वुफ, क्यों क्यों क्यों? अब मुझे मिशन को अपने हाथ में लेना होगा। मैं स्कूल में हर सब्जेक्ट में अच्छी स्टूडेंट थी और आर्ट क्लास में भी। अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास टैलेंट है। हमें उनकी डेट की तैयारी करनी होगी। कुकीज के साथ रोमांटिक डिनर बढ़िया रहेगा, कोई भी खुद को रोक नहीं पाएगा। यहाँ आओ, हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। वाह, इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी जगह क्या कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या काम बना? उसके अंदर का जानवर जाग गया। मैं वापस आ गई। तुम्हें मेरे नए बाल कैसे लगे? यहाँ क्या हुआ? ये बहुत बुरा है, कितनी गंदगी है। कैदी कहाँ है? हे, वहाँ से उतरो और ये सब साफ करो। हम तब तक नहीं उतरेंगे जब तक ये डरावना बीस्ट यहाँ पर है। तुम एक डॉग से डर रही हो? पुफ, कितना फनी है। कॉर्पोरल, काम कैसा चल रहा है? तुम इन डरपोकों के साथ जरूर बोर हो गए होंगे। तुम इतने प्यारे डॉग से कैसे डर सकती हो? सब मुझे कम समझते हैं और मैंने ही सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ा है।
ओह मैं तो भूल ही गई थी, यही रुको ये लंच का समय है। तुमने आखिरी बार कब इतना अच्छा खाना देखा था, वो भी सेलिब्रिटी शेफ का बना हुआ जूसी बेक्ड चिकन और फ्रेश सैंडविच, इससे अच्छा और क्या होगा। क्या खुशबू है, मेरे मुंह में पानी आ गया, मुझे कप्स चाहिए। तुम्हें लगा ये तुम्हारे लिए है, माफ करना पर सिर्फ स्टाफ और वीआईपी कैदी ही इसे खा सकते हैं। और तुम्हें ओटमील से ही खुश होना चाहिए। बॉन एपेटिट, अब हमारे खाने और ताकत बढ़ाने का वक्त है क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। ये स्वादिष्ट है, ट्राई करो। शुक्रिया, जरूर, पर इसमें रिस्क है।